सब्सक्राइब कीजिए टेक्ट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका एक और बार स्वागत है टेक्ट्यूबर्स पे। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और फुल रिव्यू देंगे आपको टीपी लिंक की तरफ से आने वाला टीपी लिंक आर्चर C6, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है AC1200। ये एक मैश वाईफाई राउटर है और ये एक फुल गीगाबिट राउटर है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि नॉर्मल राउटर्स, गीगाबिट राउटर्स वगैरह क्या होते हैं। वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही काम की आने वाली है आपके लिए वीडियो। अगर आप जा रहे हैं एक बढ़िया वाईफाई राउटर ढूंढने के लिए तो ये वीडियो आप हमेशा देख करके जाएंगे, मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है टीपी लिंक आर्चर C6 का बॉक्स और ये वर्ज़न 3.2 है। इसके दो वर्ज़न आते हैं, पिछला जो मॉडल है वो ओल्ड हो चुका है और ये न्यू लॉन्च किया है टीपी लिंक ने। तो हमने इसको मंगाया है और आप बैक साइड में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10x फास्टर कनेक्टिविटी। यहाँ पे चार जो लैंड के पोर्ट दिए गए हैं वो भी गीगाबिट हैं और जो वैन पोर्ट है वो भी गीगाबिट का पोर्ट दिया गया है। यानी कि 1000 Mbps तक का अगर आपका प्लान है तो आप इस राउटर को ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप देखते हैं तो मीमो की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। और WPA3 की सिक्योरिटी दी गई है। ये एक मैश वाईफाई राउटर है तो आप रेंज एक्सटेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, इस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके पूरे घर में कनेक्टिविटी सेम रहने वाली है और स्पीड सेम रहने वाली है, इसके बारे में बात कर लेंगे आगे। सो अंडे की ट्रे को हमने बाहर निकाल लिया है, बहुत ही आहिस्ता से निकाला है, टूट ना जाए। और ये हमारा राउटर रखा हुआ है सामने ही, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और इसके साथ आपको मिलती है इंस्टॉलेशन गाइड, ठीक है। और इसको निकालते हैं हम बाहर और ये इस तरीके से आपका राउटर आता है। काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन दिया है इस बार वर्ज़न 3 को टीपी लिंक ने। और बैक साइड आप देखते हैं तो बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पे आपको चार एंटीनास दिए गए हैं और ये फिक्स हैं, आप इनको हटा नहीं सकते हैं, मूवेबल हैं। ये चार एंटीना दिए गए हैं। बाकी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो एक वैन का पोर्ट दिया गया है, चार लैन के पोर्ट दिए गए हैं, सारे पोर्ट्स गीगाबिट पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आपको मिलता है अपना चार्जर के लिए पोर्ट और ये पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। साइड में आपको मिलता है WPS का बटन। एक आपको लैन की केबल दी गई है इन द बॉक्स और आपको मिलता है अडेप्टर। चलिए फटाफट से अब इसका सेटअप कर लेते हैं, बहुत ही इजी रहता है इसका टीपी लिंक का सेटअप, हर राउटर का सेम रहता है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। अगर आपके पास ऐप है तो उसमें भी आप सेम तरीके से ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा टीपी लिंक की और आप सेटअप कर पाएंगे। तो अभी हम डेस्कटॉप पे आपको करके दिखाते हैं। सो अभी हमने वैन पोर्ट में नेट को कनेक्ट कर दिया है और लैन पोर्ट से पीसी में हमने कनेक्ट कर दिया है। और अभी 192.168.0.1 में आप जाएंगे, अभी टीपी लिंक wifi.net पे क्लिक करके आप खोल लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा C6 का सेटअप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है एक पासवर्ड अपने लिए, तो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइम जोन आ जाएगा तो आप यहाँ पे टाइम जोन डाल लेंगे अपना। टाइम जोन के बाद आप यहाँ पे अपनी IP वगैरह डालेंगे। यहाँ पे हमारा PPOE वाला है तो PPPOE पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फाइबर कनेक्शन है हमारा, यहाँ पे अपना इंटरनेट प्रोवाइडर है जो आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिया है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इंटरनेट की सेटिंग्स कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेटवर्क नेम और पासवर्ड भी डाल देना है। तो क्विक सेटअप आपका बहुत ही जल्दी हो जाता है, आराम से, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। टीपी लिंक का बहुत ही ईजी टू यूज़ रहता है कंट्रोल ऑप्शन। और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको गेस्ट नेटवर्क भी देखने को मिलता है इस राउटर के अंदर, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। QoS का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, QoS को आप इनेबल कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं बैंडविड्थ पे। और यहाँ पे आपको वन मैश का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मैश नेटवर्क भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और नेटवर्क मैप पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो हो जाती हैं। तो चलिए वक्त आ चुका है अब टीपी लिंक आर्चर C6 का रेंज टेस्ट करने का। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा फाइबर कनेक्शन है जो हमने लिया हुआ है और जो प्लान है वो 125 Mbps का है। देखा जाता है कि फाइबर कनेक्शंस में बहुत ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलती है, बैकएंड से काफ़ी अच्छी आपको स्पीड दी जाती है, फिर आपके प्लान के अकॉर्डिंग वो रिड्यूस होती हुई नज़र आती है आपके स्पीड टेस्ट पे। तो ये हम देखेंगे अपने इस नए राउटर में कि हमें कितनी स्पीड देखने को मिल रही है, 125 जा रही है या फिर 100 पे ही रुकी हुई है, देखते हैं स्पीड टेस्ट में। यहाँ पे हमने डिवाइसेस रखे हुए हैं, ये हमारा PC है और ये हमारा लैपटॉप है और ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। अभी हम PC पे स्पीड टेस्ट कर रहे हैं और आप देखिए क्या स्पीड आ रही है लैंड पोर्ट पे। और हमारा जो प्लान है वो 125 Mbps का है
मोर देन 100 है, इस वजह से हमें गीगाबिट राउटर लेना पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि 125 Mbps के प्लान पे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 150 Mbps ये दे देता है। अभी 142 दी है डाउनलोड, और अपलोड भी आप देखिए खींच करके आ रही है, 300 Mbps तक छू रहा है, लेकिन हमारा प्लान जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो नियर अबाउट 150 Mbps आप देख सकते हैं। तो ये आपके रिजल्ट हैं लैंड पोर्ट पे, क्या स्पीड आ रही है। अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे और आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये जो हमारा लैपटॉप है ये वाईफाई 6 सर्टिफाइड है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। और गो पे क्लिक करते हैं और आप देखिए क्या स्पीड आ रही है। तो नियर अबाउट यहाँ पे भी 150 Mbps के अराउंड ये जा रहा है, और 142 आया है डाउनलोड, और जो अपलोड है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड और अपलोड आ रही है 140 Mbps से अब अभी आ रही है, जबकि जो हमारा प्लान है वो 125 Mbps का है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि कम प्लान होते हुए भी इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होती है, और फिर एवरेज होकर के वो 140 पे आ जाती है, जाती तो 300-400 Mbps तक है, कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये उसको नीचे ले आता है। और आप देख सकते हैं कि जो कनेक्शन अभी यहाँ पे हो रखा है वो 5 GHz के बैंड पे हुआ है, जिसकी वजह से इतनी स्पीड आ रही है। अब मैं यहीं पे आपको अपने स्मार्टफोन पे भी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी हम सेम रूम में बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, और ये अभी आप देखिए कि 5 GHz पे कनेक्टेड है। इसको भी मैं गो पे क्लिक करता हूँ, सेम रूम में क्या स्पीड आपको देखने को मिल रही है 5 GHz के बैंड पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोबाइल के अंदर भी ऑलमोस्ट 130, हाँ थोड़ी बढ़ जाती है, मोर देन 140 Mbps तो आ ही रही है। जी हाँ, यहाँ पे 147 Mbps आई है, जो कि हमारे प्लान से बहुत ज़्यादा है। 20-30 Mbps मोर हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी बात है। अपलोड भी आप देखिए 194 यहाँ पे आई है, मतलब कितनी अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। ये 5 GHz के बैंड पे भी हमने टेस्ट किया है। सेम रूम पे अब करते हैं 2.4 GHz पे टेस्ट, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्पीड देखने को मिलती है। अभी फ़ोन पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर लैपटॉप पे करेंगे। भी चलते हैं सेटिंग में, और ये हमारा नॉर्मल है 1 Gbps वाला, कनेक्ट हो गया। चलते हैं स्पीड टेस्ट, नाउ टेस्ट अगेन 2.4 GHz के बैंड पे क्या स्पीड आ रही है आप देख सकते हैं सेम रूम में। तो यहाँ पे काफ़ी कटौती हो गई है स्पीड में, 125 Mbps का प्लान है और 45, 47, 50, ठीक है बढ़ रही है, और 54 Mbps डाउनलोड आई है, और जो अपलोड है वो यहाँ पे सेम ही आ रही है 54, 55। ये है 2.4 GHz पे, और यहाँ पे आपको क्या होता है नॉर्मली रेंज ज़्यादा होती है, स्पीड कम देखने को मिलती है हमें। और दोबारा चलते हैं लैपटॉप पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं, सारे डिवाइसेस को मैं आपको चेक करा रहा हूँ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल से भी हमने कनेक्ट कर लिया, 2.4 GHz वाला है, तो ये कनेक्ट हो गया है। और लैपटॉप पे भी दोबारा करते हैं टेस्ट, और देखते हैं लैपटॉप क्या स्पीड दे रहा है 2.4 GHz के बैंड पे। तो लैपटॉप जो है वो ज़्यादा थोड़ा खींच रहा है स्पीड को, आप देख सकते हैं लैपटॉप में काफ़ी अच्छी स्पीड आई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई मोबाइल से, तो 97 Mbps जा रही है, और ये 2.4 GHz वाला बैंड है। अपलोड कम आ रही है, डाउनलोड ज़्यादा आ रही है 54 Mbps। तो लैपटॉप पे थोड़ा बेटर रिजल्ट देखने को मिला है। सेम रूम पे अभी हमने टेस्ट किया है स्पीड को, अब थोड़ा हम डिस्टेंस पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या स्पीड आ रही है। रेंज टेस्ट की इस दौड़ में हम बाहर निकल चुके हैं, स्टूडियो से बाहर आ चुके हैं, और 25-30 फुट का डिस्टेंस तो होगा ही सेम फ्लोर पे। और आप फ़ोन पे टेस्टिंग देखेंगे इस वीडियो में। अभी जो है 5 GHz से हमने कनेक्ट कर लिया है मोबाइल फ़ोन को, और स्पीड टेस्ट को ऑन करते हैं। स्पीड टेस्ट कहाँ गया जी, तो ये है 5 GHz का स्पीड टेस्ट, और ये 125 Mbps का प्लान है, और आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, थोड़ा मैं भी देख लेता हूँ कितना आ रहा है। जी हाँ, स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है सेम फ्लोर पे, 25-30 फुट की दूरी पे भी हमें वही स्पीड देखने को मिल रही है 5 GHz के बैंड पे। तो रिजल्ट आपके सामने है, सेम फ्लोर पे डाउनलोड स्पीड लगभग सेम देखने को मिली है, अपलोड स्पीड यहाँ पे 100 Mbps पे रिड्यूस हो गई है। अब करते हैं 2.4 GHz के बैंड पे टेस्ट, और देखते हैं
कि उसमें कैसी स्पीड आ रही है। तो हमने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे 2.4 GHz के बैंड पे 27 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और 40 Mbps अपलोड स्पीड आई है। तो सेम फ्लोर पे जो है डाउनलोड स्पीड तो कम ही देखने को मिलेगी, अपलोड यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। 2.4 GHz का बैंड है जिस वजह से इतनी कम स्पीड आपको देखने को मिल रही है। अभी हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर के सेंटर पे घर में हमारा स्टूडियो है और हम एकदम एंड पॉइंट में अपने घर के सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे जो हमारा शाही बैंड है 5 GHz का वो गायब हो चुका है और 2.4 GHz वाला बैंड ही रेंज में है, जिसमें आपको 4 सेल देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड फ्लोर पे क्या स्पीड आ रही है 2.4 GHz के बैंड पे, 5 GHz वाले ने तो हाथ खड़े कर दिए, रेंज भी नहीं है। तो स्पीड का रिजल्ट आपके सामने है, स्पीड टेस्ट का 14.5 MB डाउनलोड आई है और लगभग 18 Mbps के आसपास अपलोड स्पीड देखने को मिली है। सेकेंड फ्लोर पे 2.4 GHz के बैंड पे ही हमें रेंज दिखाई दी है जिसपे हमने स्पीड टेस्ट किया है। 5 GHz वाले बैंड पे इतनी रेंज आपको देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से सेकेंड फ्लोर पे नो रेंज है 5 GHz की, लेकिन 2.4 काफ़ी अच्छी स्पीड दे रहा है। तो हम अपनी बिल्डिंग के टॉप के फ्लोर पे आ चुके हैं, छत पे अभी हम खड़े हुए हैं और इस छत पे हमने कोशिश की है अपने नेट को ढूंढने की, लेकिन रेंज यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और इसका प्रूफ आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि कोई भी बैंड यहाँ पे रेंज में नहीं है, 2.4 GHz भी नहीं है और 5 GHz भी नहीं है, 1 Gbps का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है। तो छत पे तो आपको रेंज नहीं मिलेगी, मतलब दो फ्लोर पे जाकर आप चले जाएंगे तो ये राउटर आपको स्पीड रेंज कुछ भी नहीं देगा। सो पूरा रेंज टेस्ट हमने आपको करके दिखा दिया है इस राउटर का, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये राउटर कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है आपके घर के हिसाब से। और ये है फुल गीगाबिट राउटर, लैन पोर्ट्स भी इसके गीगाबिट के दिए गए हैं और जो वैन पोर्ट है वो तो है ही, जाहिर सी बात है गीगाबिट का दिया गया है। और जिसमें जो आपको टेक्नोलॉजी दी गई है वो है मू मीमो की टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, यानी कि सेम टाइम पे सेम रेट से डेटा ट्रांसफ़र होता है मल्टीपल डिवाइसेस से जो भी आप इससे कनेक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल राउटर्स में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी खूबी यही है कि इसमें आपको जो है 867 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है 5 GHz के बैंड पे, और 300 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है 2.4 GHz पे। ठीक है, तो ये है इसकी पूरी डिटेल्स और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आए तो इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इसकी खूबी यह है कि ये वन मैश के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि आप रेंज एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर। एक आपको एक्सटेंडर परचेज करना होगा जो कि मैश को सपोर्ट करता होगा और वो आपके इस राउटर से कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने पूरे बिल्डिंग में पूरे घर में रेंज को एक्सटेंड करके सेम स्पीड का मज़ा उठा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो इस राउटर से जुड़ा हुआ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते अगर इस राउटर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको जवाब जल्द ही दे दिया जाएगा। और इससे जुड़ी एक और वीडियो नेक्स्ट आने वाली है चैनल पे, आर्चर C60 वर्सेस आर्चर C6 के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके आपको दूंगा ताकि आप डिफरेंस जान सकें कि इन दो राउटर्स में क्या डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे उस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टेक्ट्यूबर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हैव अ नाइस डे।